दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से काफी रोचक और धार्मिक पौराणिक कथाएं आप तक लाता रहता हूं। आज जानेंगे जो सृष्टि के सृजनकर्ता और संहारक, जिनका ना ही आदि है और ना ही कोई अंत, महादेव जी। महादेव के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें मगरमच्छ का रूप लेकर पानी में जाना पड़ा। आइए जानते हैं दोस्तों भगवान शिव जी की रहस्यमयी पौराणिक कथा को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कहानी में सुना जरूर होगा, माता पार्वती महादेव जी से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। वो अपना सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में लीन हो गई थी। सालों साल तपस्या में लीन पार्वती की ये दशा देखकर देवतागण बहुत ही द्रवित हो गए और महादेव से उनकी आराधना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। महादेव जी हिमालय पर्वत पर साधना में लीन थे, तभी देवतागण सब वहां अचानक आ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे महादेव जी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। माता पार्वती आपकी साधना में लीन है, इसलिए आप उनके विषय में कुछ सोचिए। तब महादेव जी ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार की, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। माता पार्वती के बारे में कैसे जाने, कैसे पता लगाएं, भगवान स्वयं किस प्रकार से माता पार्वती के सामने जाते, ऐसा करने पर माता पार्वती नाराज भी हो सकती थी। वो इसी सोच विचार में डूबे हुए थे, तभी उन्हें एक उपाय सूझा। तब महादेव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उन लोगों को वहां भेजा। सप्त ऋषियों ने महादेव जी से शादी करने के फैसले के बारे में माता पार्वती जी से पूछा, परंतु फिर भी पार्वती महादेव का गुणगान करते नहीं थक रही थी। उन्होंने कहा कि वो सर्व गुण संपन्न है और शक्तिमान है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर सप्त ऋषियों ने महादेव जी के सैकड़ों अवगुण को गिनवाए, फिर भी पार्वती जी नहीं मानी और अपने फैसले पर अटल रही। उन्होंने कहा कि महादेव के अलावा वो किसी और से विवाह करना ही नहीं चाहता, उन्हें और कोई दूसरा मंजूर नहीं है। इसके बाद सप्त ऋषि वहां से लौट गए और पूरी कहानी आकर महादेव जी को बता दी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, शादी से पहले सभी वर अपनी अर्धांगिनी को देखने की चाहत रहती है और सभी संदेह दूर करना चाहता है। महादेव जी भी पीछे कैसे रहेंगे, वह भी ठाने कि मुझे भी ऐसा करना है और स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की योजना बना डाली। उधर माता पार्वती जी एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी, तभी तालाब के किनारे एक बालक को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपनी जान को खतरे में देखकर बालक शोर मचाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से मगरमच्छ मगरमच्छ चिल्लाकर अपनी जान बचाने के लिए किसी से सहायता मांगने लगा। पार्वती जी ने जब किसी बच्चे की चीख पुकार को सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वो तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब किनारे पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ रखा है और वो उसे तालाब में खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बालक देवी को देखकर उनसे अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा और बच्चा कहने लगा, हे माता, मेरी जान को खतरा है, यदि आप चाहेंगी तो मेरी जान बच सकती है। वैसे भी न तो मेरी माता है और न ही पिता, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए माता। देवी पार्वती से बच्चे की पुकार सुनकर रहा नहीं गया और उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दो, बदले में आप जो चाहिए वह आप मुझसे प्राप्त कर लो। जिसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा कि एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, आपने तपस्या करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तपस्या का फल हमको मिल जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी ने मगरमच्छ की इस शर्त को मान लिया और कहा, लेकिन आपको इस बालक को शीघ्र ही छोड़ना पड़ेगा। मगरमच्छ ने देवी को
समझाते हुए कहा कि अपने इस फैसले पर फिर से एक बार विचार कर लीजिए। जल्दीबाजी में आकर कोई वचन मत दीजिए। आपने हजारों वर्षों तक तपस्या की है, वो देवताओं के लिए भी असंभव है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों की रक्षा में आप गंवा देंगे। पार्वती जी ने कहा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरा इरादा अटल है। मैं आपको अपनी तपस्या का पूरा फल देने को तैयार हूँ, परंतु आप तुरंत इससे मुक्त कीजिए। मगरमच्छ ने पार्वती से अपनी तपस्या दान करने का वचन ले लिया और जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान किया, मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लग गया। फिर मगरमच्छ ने कहा, देखिए आपके तपस्या के तेज से मेरा शरीर कितना चमकने लगा है। फिर भी मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक और मौका देता हूँ। उत्तर में पार्वती जी ने कहा, तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप इसे निगल जाते हैं तो क्या इसका जीवन मिलेगा, फिर से प्राप्त होगा? इस पर मगरमच्छ ने कुछ जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा। इसी क्रम में देखते ही देखते वह लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी को इस पर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ अचानक से गायब हो जाना। लेकिन पार्वती जी ने इस पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया और इस बात पर विचार करने लगा कि उन्होंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया और फिर से इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का प्रण लिया। वो तपस्या करने की तैयारी करने लगा कि अचानक महादेव जी उनके सामने अचानक प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी, भला आप तपस्या करने की जरूरत नहीं है? पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने तपस्या का फल दान कर दिया है। ऐसे में मैं फिर से वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करूंगा। इसके जवाब में महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, अभी आपने जिस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया और जिस लड़के की जान बचाई, यह दोनों रूप में ही मैं ही था। अनेक रूपों में दिखने वाले मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निर्विकार हूँ, यह मेरी ही लीला थी। मैं यह देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई? तो महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती है, आप में दया और करुणा दोनों है। अब आपको और तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दे दिया है। यह सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और इसके बाद माता पार्वती और भगवान महादेव का विवाह हो गया। तो आपने जाना दोस्तों, भगवान शिव ने घड़ियाल का रूप क्यों धारण किया था? यह कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।